अभी हम रैगांव में मौजूद हैं और ये हमारे सामने सेवा सहकारी समिति मर्यादित रैगांव, यहाँ पर किसान खाद खरीदने के लिए आए हुए हैं और हम यहाँ मौजूद किसानों से बात करेंगे कि रैगांव का माहौल क्या है। रैगांव आरक्षित सीट है, यहाँ जो मुख्य चुनावी मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने प्रतिमा बागरी को उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने कल्पना वर्मा को। चुनाव कौन जीतेगा इस बार? चुनाव तो इस बार मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस, हाँ, उसका रीजन, हाँ, सबसे पहला नंबर तो रीजन यह है कि जो बीएसपी नहीं खड़ी हुई, सबसे पहला नंबर, हाँ। और दूसरा कारण ये है कि जो नया कैंडिडेट है प्रत्याशी कभी फील्ड में उतरा नहीं, आया नहीं है ना। और तीसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी फेक न्यूज है, एक बार बहुत पहले आए थे तो जमाने में सब दे गए थे लेकिन है कुछ नहीं सभा बाहर, इसलिए पब्लिक जो है विधायक रह नहीं गए। उनसे कहते भी के जो कह गए थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, तो उन बातों पर आप अमल करवाइए करिए तो कहीं कुछ नहीं, न कहीं माने मंडी के लिए है, न कहीं जो है तो माने यहाँ तहसील के लिए था कि तहसील लगेगी, यहाँ पानी के लिए बोल गए, आप तो घोषणा कर गए ना सब। अरे तो घोषणा तो ये पहले भी कर गए थे, इसीलिए तो फेक न्यूज कहा जाता है। पहले कई घोषणा हो चुकी है, आँखी देखे तब पत्या, जब अंधा आँख में देखेगा तब ना मानेगा कि देवी ने वरदान दिया। हम उसी प्रकार अंधे हैं, कहते देवी जी ने वरदान दे दिया, क्या कहा दी है बताइए। हम जन्मजात भाजपाई हैं, मैं खुद भाजपाई हूँ, मैंने अपने होश आवास में भाजपा के अलावा वोट कभी नहीं दिया, लेकिन मैं जानता हूँ इस बार मैं दूंगा भी तो भी भाजपा हार रही है। उसका मेन रीजन है जो बीएसपी से कोई खड़ा नहीं, बीएसपी के वोट कांग्रेस के वोट एक जगह हो गए, भाजपा में से ज़्यादा नहीं तो अगर 30% भी कट के जाते हैं तो डंके की चोट भी जीती है। क्योंकि मैं ग्रामीण अंचल के बारे में जानता हूँ, मैं ग्रामीण का हूँ, मैं कोई नेता लपारी तो हूँ नहीं कि ब्लॉक लेवल का हूँ कि जिला लेवल का कि भोपाल लेवल का, तो मुझे आंकड़ा ना मिले। मैं तो चार लोगों के साथ ही बैठता हूँ, यार कैसा का है कहना, रे बेर गुरु बाबा ऐसा नहीं ऐसा है, तो गुरु बाबा तो सभा जान की का, मैं यहाँ एक एक बच्चे को जानता हूँ कि कौन काहे में। सही बात, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका क्या नाम है? थोड़ा जोर से बोलिए। विजय कुमार पांडे जी, क्या है माहौल नागौर रैगांव में, कौन जीतेगा इस बार? अरे इस बार तो बिगड़ा हुआ है माहौल। अच्छा, क्या समझ में आता है आपकी, कौन जीतेगा? जीतने का तो दोनों पार्टी लगी हुई है, हाँ। तो कांग्रेस का चल रहा है। अच्छा, आप बीजेपी से नाराज क्यों हैं? बीजेपी से कार से नाराज है, मतलब बीजेपी ने काम नहीं किया संतोषजनक? नहीं। ऐसी कौन सा नीति है जो आपको पसंद नहीं आई? अरे अगर किसान अगर खाते के खाली हाथ तो हमें जो चुनाव ना हो लाइन लागत, मतलब चुनाव, हाँ चुनाव है इसलिए खाद मिल रही है, खाद मिल रही है, नहीं होता सपना जाना पड़ता पिछले साल सपना नहीं कौन है नहीं। आज बहुत लाइन लगी 5000 का। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जब चुनाव आता है सबको आता है, जब चुनाव नहीं आता तो कोई नहीं आता, किसान बैठा रहता है ताकि की खाद मिले बीज मिले। प्रधान नंबर लगाना पड़ता था, दिन भर सुबह से जाना पड़ता था, तो दिन भर में और शाम के वो भगा। शिवराज जी कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है भांजे भांजियों का और मतदाताओं का जनता का बहुत अच्छा ख्याल रख रही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी जिम्मेदारी ले ली है, और आप ऐसा बोल रहे हैं? जन्म तक काल आई है, यहाँ पर कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? प्रहलाद कुमार। प्रहलाद कुमार शुक्ला जी, इस बार यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि कौन विधायक बनेगा? सर जिसने विकास कराया होगा उसके आने की उम्मीद मान सकते हैं, लेकिन विकास कराया होगा उसने। अच्छा, विकास तो हुआ नहीं, विकास तो हुआ नहीं यहाँ तो पिछले 5 पंचवर्षीय से, पिछले 28 साल में 23 साल बीजेपी के विधायक रहे हैं, तो क्या आप बीजेपी के विधायक द्वारा जो कार्य कराए गए हैं उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं है संतुष्ट तो नहीं है। ऐसा क्या है कि उन्होंने, ऐसा कौन सा काम उन्होंने नहीं कराया कि आपको संतुष्ट? ऐसा काम क्या है सर जो आप देख सकते हैं इस गाँव में, इतना बड़ा विधानसभा जिसमें आप ये बोल सकते हैं यहाँ के आम पब्लिक, हम युवा या बच्चे कह सके आपसे कि हम संतुष्ट हैं, क्योंकि यहाँ अस्पताल में टाइम से डॉक्टर नहीं मिलते, नर्स का पता नहीं, अगर एक महिला
प्रेग्नेंट होती है तो उसको यहाँ से जाते जाते इसको कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक लोकल नर्स ही नहीं है। कॉलेज के वादे हैं, स्कूल में स्कूल प्रबंधक आप व्यवस्था देखिए जाके पढ़ाई की शिक्षा पढ़ाने वाले ही शिक्षक ही नहीं है। अब उससे ज़्यादा क्या बोलते हैं विकास, ये बताइए ये रहना विधानसभा में श्रीमान जी, मेरा ये कहना कि कहीं आपके बाहरी कोई आदमी आता है तो कहीं नहीं कि कोई कहीं छोटा छोटा कॉम्प्लेक्स तक कहीं नहीं, इतने बड़े विधानसभा में भी कोई बाहरी है, लोकल है, हम कहीं करा कोई नहीं, मगर बाहरी आदमी आकर क्या करेगा, कहाँ जाएगा, तेरेगांव विधानसभा में कहीं कुछ सुविधा। कहने का मतलब सर ये है कि अगर आप यहाँ के जो स्टैंड है, शिवराज जी कहते हैं हमने तो बहुत काम किया है, काम किए सर तो कहाँ काम किए, हमने रहेगा विधानसभा जो रहेगा खास विधानसभा यहाँ कोई काम। क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा। अनिल शर्मा जी, इस बार रहेगा में कौन विधायक बनने वाला है? बीजेपी के ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको इम्प्रेस कर रहे हैं कि हमें बीजेपी को ही वोट लेना चाहिए? अच्छा हो रहा है ना, क्या हो रहा है, कोई कुछ आपको मालूम होगा, कोई तो तथ्य होंगे ना कि हमें बीजेपी को वोट करना है या कांग्रेस को वोट करना है, तो कोई तो तथ्य होना चाहिए ना। आपका नाम क्या भैया? हरमीन सिंह। आप रहेगा की है, तो क्या माहौल है इस बार यहाँ? माहौल तो इस समय कांग्रेस का इतना माहौल है 30-35 हज़ार वोटों से जीतना चाहिए। अच्छा, बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी 25 साल से यहाँ थी, एक ईंट नहीं धरवाया यहाँ पे, रहगांव विधानसभा क्षेत्र में कुछ भी विकास के काम हुए ही नहीं। विकास में तो ये सिलेंडर ये दुनिया के बात है, कोई मतलब नहीं है। एक मिनट, बारी बारी से बात जी। मतलब नहीं, और ये सब देखते हुए अब ये सब पूरी जनता का यही पूरा विचार है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। शिवराज जी कहते हैं कि हमारे सरकार ने बहुत काम किया है। क्या किया शिवराज सिंह बताएं यहाँ पे कि जन्म से लेकर जी मरण तक वो तो अभी भी आते हैं बोलते हैं कॉलेज बन गया, कॉलेज की बिल्डिंग नहीं है, कॉलेज बन गया पहले भी और पहले भी किए थे, आज से नहीं, 2008 में जब आए, जब कॉलेज बन जाएगा, ये थाना बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज तक हुआ कुछ नहीं, झूठी घोषणाएं हैं उनकी मामा जी की। शिवराज जी के काम से आप कितने संतुष्ट हैं? 100%। और इस बार रहगांव में कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? भाजपा। कितने वोट से जीत जाएगी? 20,000 वोट। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार पांडे। यहाँ जीतेगी, यहाँ पर और भारी बहुमत है, भारी बहुमत कांग्रेस का यहाँ कुछ नहीं। यहाँ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने बाहरी सब झूठी अफवाहें हैं, अच्छा सब अफवाहें हैं, हवा हवा या कांग्रेस का, अच्छा हाँ हम देहात के यहाँ प्रतिमा बागरी फायदा मिला सरकार हमें शिवराज सिंह गई थी मोदी गई, अच्छा हाँ मतलब ये प्रतिमा बागरी यही की प्रत्याशी हैं, यही की हम जानते हैं। अच्छा चलिए और लोगों से बात करते हैं। बिल भेजे दे रहे हैं ना जो पहले भेज रहे थे जी, बताइए क्या क्या बोल रहे हैं आप, बताइए। बिल खीतर साहब, कमलनाथ हमारे अभी 100 रुपए किए थे हम लोगों ने सभी को, अब फिर से वही बिल बढ़ाए जा रहे हैं हमारे, फिर 200-300-400। अभी कल ही उन्होंने उद्बोधन में कहा है शिवराज जी ने कि हमने संबल योजना कमलनाथ ने बंद कर दी थी, हमने चालू करवाई है। ये दिन कमलनाथ ने कम किए थे, जो 800 रुपए आ रहा हम लोग कमलनाथ, भाजपा की सरकार में कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कांग्रेस सबकी साहब आ रही है यहाँ से रहेगा, तो खुलेआम कांग्रेस आ रही है, खुलेआम आ रही है, भाजपा को अब की तो कैसे हवा नहीं लग रही।